कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी इस प्रकार मक्के मदीने को उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश देकर भेदभाव को खत्म करने की ताकीद करते हुए और आगे चलते हैं। चलते चलते एक दिन जगत पिता गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई बाला, आज हमें बहन नानकी जी ने याद किया है। तब भाई बाला जी बोले, हाँ महाराज, याद किया होगा, इसमें क्या विशेषता है? गुरु जी कहने लगे, बाला जी, हमें बहन जी के पास जाना चाहिए। तब भाई बाला जी ने कहा, ए गुरुदेव, इस स्थान से बहन नानकी का नगर कितनी दूर है? तो गुरु जी कहने लगे, भाई बाला, यहां से 27 शतकोस की दूरी पर बहन जी का नगर है। मैंने अर्थात भाई बाला ने कहा कि हे गुरु जी, वहां हम लोग कितनी देर में पहुंच सकते हैं? तब गुरु जी कहने लगे कि जितने समय में परमात्मा पहुंचा देगा उतनी देर में हम पहुंच जाएंगे। दिन का तीसरा पहर था जब गुरु जी, भाई माला जी और भाई मर्दाना मदीने से चले। गुरु जी ने आज्ञा दी कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जब एक क्षण अपनी आंखें बंद करके खोली तो हम तीनों सुल्तानपुर में बहन बेबे नानकी जी के द्वार पर आ पहुंचे थे। उस समय तुलसा गोली ने हमें देखते ही घर में भाग कर पहुंची और जाकर बेबे नानकी जी को कहा, बहू जी, आपको बधाई हो, क्योंकि आपके भाई नानक देव आए हैं। जब बेबे नानकी जी ने नानक देव जी को देखा तो पुलकित अवस्था में बेहल होकर गुरु जी के चरणों में गिरने लगी। तब तुरंत गुरु जी ने उसे सत्कार पूर्वक उठा लिया। बेबे नानकी जी ने कहा, भ्राता जी, मैंने आज दोपहर के पश्चात आपको याद किया था, आप इस समय किधर से आ रहे हो? कृपा कहने का कष्ट करो, अब 7.5 वर्ष बतीत हो चुके हैं। यह सुनकर मर्दाने ने कहा कि गुरु जी, और हम 27 शतकोस की दूरी से आ रहे हैं। यह गुरु जी की शक्ति है कि इतने दूर से क्षण भर में हमें यहाँ ले आए। मर्दाने ने बेबे नानकी जी को सभी विस्तृत समाचार सुनाया। तब गुरु जी ने कहा, बहन बेबे नानकी जी, आपने हमें याद किया तब हम आपके पास उपस्थित हो गए तथा आपका विचार सफल हुआ है, हमें आज्ञा दे दो। तुलसा दासी ने कहा, हे महाराज, आप अभी आ रहे हैं तथा अभी जाने को तैयार हो रहे हैं? जयराम जी को तो आ लेने दो, इतनी जल्दी क्या है? गुरु जी ने कहा, बेबे नानकी जी, हमें शीघ्र ही जाना होगा, आप हमारी ओर से जयराम जी का सत्कार करना। जब बेबे नानकी जी ने गुरु जी के यह शब्द सुने तो नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले तथा साहिबजादे श्री चंद जी को गुरु जी के आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिसका भाव यह था कि आपका यह प्यारा कुमार आपको सदैव स्मरण करता है, तथा रहस्य यह था कि गुरु जी को पुत्र का मोह कुछ काल ठहरने के लिए बाध्य करेगा। बेबे नानकी जी यह नहीं जानती थी कि गुरु जी इस मोह माया से कहीं ऊपर हैं। उनके लिए समस्त संसार सुत के तुल्य है। गुरु जी कहने लगे, बहन बेबे नानकी जी, मुझे तो केवल आपकी प्रेम शक्ति खींच लाई है, यह सांसारिक बंधन मुझे बांधने में असमर्थ है। इनका प्रयोग करने से सफलता नहीं मिलेगी। दूसरे हमने आवश्यक कार्य के लिए जरूर जाना है।
गुरु नानक देव जी की यह बात सुनकर बेबे नानकी जी कहने लगे, आप मेरे पास कुछ दिन ठहरने की कृपा करो। गुरु जी ने कहा, बहन जी, मैं आपके पास बहुत दिन रहूंगा, परंतु इस समय तो जाने की आज्ञा दे दो, इसी में आपका कल्याण निहित है। नानकी जी कहने लगे, अच्छा, कुछ जल पान तो कर लो। गुरु जी ने फरमाया कि आप मर्दाने को कुछ खिला दो। तब बेबे नानकी जी ने भीतर से दूध और पकवान लाकर आके रख दिए। गुरु जी कहने लगे, भाई मर्दाना, तुम इनका भोग लगाओ। तब मर्दाना जी ने कहा, महाराज, आप भी अंगीकार करो। तब गुरु जी ने कहा, हे भाई बाला, इस वस्तु के तीन भाग करो। भाई बाले ने तीन भाग किए, एक भाग गुरु जी ने और एक मर्दाने ने तथा एक भाग भाई बाला जी ने खाया। इसके पश्चात गुरु जी ने कुछ उपदेश बेबे नानकी जी को दिया तथा फिर तैयार हो गए। बेबे नानकी जी ने कहा, हे भ्राता, अब फिर कब दर्शन होंगे? गुरु जी ने कहा, बहन बेबे नानकी जी, जब आप मुझे याद करोगी तभी उपस्थित हो जाऊंगा। नानकी जी कुछ उदास हो गई। नानकी जी को उदास देखकर भाई बाला जी कहने लगे, महाराज, एक मेरी प्रार्थना है। गुरु जी ने कहा, बोलो भाई बाला, कहो क्या बात है। तब भाई बाला जी कहने लगे, नानकी जी दुखी हो रहे हैं, कृपया आज की रात्रि इनके यहाँ ही विश्राम करो, जिससे इनको प्रसन्नता प्राप्त हो। भाई बालाजी की प्रार्थना गुरु जी ने स्वीकार कर ली तथा रात्रि वहीं विश्राम किया। इतने में जयराम जी भी आ गए तथा अधिक प्रसन्नता हुई। प्रातःकाल उठकर गुरु जी ने और भाई बालाजी ने तथा मर्दाना जी ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। फिर जयराम जी तथा बेबे नानकी जी से विदा मांगी और सत्य करतार की पवित्र ध्वनि करते हुए जगत ज्योति गुरु नानक देव तथा उनके दोनों सेवक वहां से चले। बेबे नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप हमें सदैव याद रखना। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।